आज का वरदान संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग की अमूल्य घड़ियां, ये समय और ये जन्म अविनाशी प्रालब्ध बनाने का समय है। इस जीवन का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, एक एक श्वास पद्मों की कमाई कराने वाली है। इस जीवन में किया गया हर एक कर्म बोला गया, हर एक बोल मन में उठने वाली, हर एक भावना हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। महसूस करें अपनी हर सूक्ष्म और स्थूल शक्ति के महत्व को। ये जन्म जन्म जन्मांतर का सौभाग्य जगाने वाला है। जब खुद दाता, विधाता, वरदाता हमें अखुट खजाना निरंतर बांटते जा रहे हैं, हमें सर्व प्राप्तियों से भरपूर करते जा रहे हैं। महसूस करें और अंदर संभाले सर्वशक्तिमान से प्राप्त होती इन सूक्ष्म शक्तियों को जिन्हें मैं क्षण भर के लिए भी व्यर्थ नहीं गवा सकती। आलस्य और अलबेलेपन के सूक्ष्म कमजोरियों को चेक करें, अलर्ट हो जाए क्योंकि समय कह रहा है कि यदि अभी इन खजानों को सफल नहीं किया तो फिर ये समय, ये प्राप्तियां अविनाशी सुख कभी नहीं मिलेगा।
अंदर छिपे कुंभकर्ण की नींद से जागृत हो जाएं और फील करें ये आंतरिक सशक्त स्थिति मेरे मन बुद्धि संस्कारों को सर्व ईश्वरीय शक्तियों को तन को प्रकृति को परिस्थितियों को मेरा सहयोगी बना रही है। मेरी हिम्मत का कदम और परमात्मा की हजार गुणा मदद मुझे पद्मा पद्म पति बना रही है। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन द्वारा मैं शक्तियों का गुणों का ज्ञान का जितना दान देती जा रही हूं ईश्वरीय खजाने मुझे प्रत्यक्ष फल प्रदान कर रहे हैं। अंतर की खुशी भरपूरता आंतरिक सुख मेरे चेहरे की प्रसन्नता के रूप में स्पष्ट नजर आ रही है। फील करें इस प्रत्यक्ष फल को जो मेरे तन को मन को बुद्धि को शक्तिशाली बना रहा है। कमजोर संकल्प कमजोर बात किसी के कमजोर कर्म अब मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मेरी आंतरिक भरपूरता संपन्नता हर नकारात्मक शक्ति के ऊपर कमी के ऊपर विकारों रूपी कमियों के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करा रही है। महसूस करें इस मूल्यवान युग में प्राप्त होते अमूल्य खजानों को ईश्वरीय अमूल्य प्राप्तियों को शक्तिशाली स्थिति को